उसमें कैरी में ज्यादा लेना, उसमें ज्यादा लगता है। हाँ, पाइन एप्पल में तो इतना नहीं कैरी। गुड मॉर्निंग गाइस, लास्ट का गुड बाय मैंने आपको अहमदाबाद से किया था और आज का गुड मॉर्निंग मैं आपको कर रही हूँ अहमदाबाद से 205 किलोमीटर दूर एक छोटा सा प्यारा सा हिल स्टेशन जो बहुत ही फेमस है, माउंट आबू से। तो अभी हम सबसे पहले ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि बॉडी को दिन भर की एनर्जी के लिए तो फ्यूल चाहिए। उसके बाद हम एक्सप्लोर करेंगे माउंट आबू, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अभी हम लोग नक्की लेक जा रहे हैं, वहाँ पे बोटिंग भी होती है तो बोटिंग करेंगे। वहीं से पास ना एक टॉड रॉक है तो वो टॉड रॉक जाने वाले, क्योंकि हम दो तीन बार माउंट आबू आए लेकिन वो टॉड रॉक नहीं देखा था, तो इस बार सोचा कि वहीं चलते हैं। तो बस चलते हैं, अब नो साथ आता जरूर है लेकिन चलता साथ कभी नहीं है। माउंट आबू में जो ये पेड़ लगे हुए है ना, ये पेड़ बहुत ही अच्छी वाइब देते हैं यार, बहुत सुंदर लग रहे हैं इसको देख के, एकदम वेकेशन वाली फीलिंग आ जाती है। अभी जो देखी ना हाथ गाड़ी जिसमें बच्चे बैठ के जा रहे थे, इस टाइप की हाथ गाड़ी यहाँ पे चलती है। आपको अगर कहीं भी जाना है, आना जाना है, तो ये वाली गाड़ी चलती है जिसमें आप आ जा सकते हैं आराम से। वैसे तो जनरली लोग अपनी टैक्सी से यहाँ तक आते हैं और फिर टैक्सी से ही पूरा माउंट आबू घूमते हैं, लेकिन अगर आप बस से आ रहे हैं या सिर्फ टू एंड फ्रो की टैक्सी ली है तो आप यहाँ पर आके बाइक और स्कूटी भी हायर कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी शॉप है जो आपको बाइक और स्कूटी रेंट दे देगी। ये नक्की लेक के पास का ना मार्केट है, यहाँ डोमिनोज का पिज्जा भी आपको मिल जाएगा। ये मेन मार्केट है, अगर आपको थोड़ी सी शॉपिंग करनी है तो आप यहाँ पर आके कर सकते हैं शॉपिंग। ये देखिए, ये नक्की लेक दिखने लग गई है, मजा आ रहा है, वाइब काफी अच्छी है इस प्लेस की। अगर आप अपने होटल से ब्रेकफास्ट करके नहीं आए हैं ना, तो ये है नक्की लेक के पास का एरिया जहाँ पर चाय, कॉफी, नाश्ता सब कुछ मिलता है, तो आप आराम से यहाँ पर आके अपना नाश्ता एंजॉय कर सकते हैं लेक के पास। हम भी वहाँ से नाश्ता करके नहीं आए हैं तो अभी थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं। ये अभी ना ले आए हैं क्या, पोहा? तो पोहा है, तो ये ले आए कॉफी। आपने चाय ली, कैसी है चाय? चाय में पत्ती नहीं तो पीने का क्या मजा, आपके साथ में पत्ती नहीं हो तो घूमने में क्या मजा, चम्मच में जीरा हमारे दीदी लाखों में हीरा। नक्की लेक से 500 मीटर की वॉक करके हम पहुंच गए टॉड रॉक, जहां पे हमने की थोड़ी सी हाइकिंग। अच्छा हुआ कि हम कुछ खाकर ही निकले थे, ऊपर पहुंचने में हमें 15 से 20 मिनट लगे। ऑलमोस्ट माउंट आबू दिख रहा है, प्यास लग गई, काफी चढ़ के आना पड़ा। हम लोगों को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि इतना चढ़ के आना पड़ेगा। ऊपर आराम से बैठकर आप इस व्यू का मजा ले सकते हैं। वेदर एकदम प्लेजेंट था, हल्की धूप के साथ गुलाबी ठंड, व्हाट अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन। ये टॉड रॉक, जिसे दूर से देखने से ऐसा लगता है कि कोई फ्रॉग जो है पानी में जम करने की कोशिश कर रहा है। इतना तो चढ़ो, इतना ही उतरो। ऊपर नीचे करने की वजह से वापस से भूख लगाई थी, इसलिए हम आ गए इस रेस्टोरेंट में जो नक्की लेक के बाजू में ही है। यहाँ से व्यू तो बहुत ही शानदार है, पर यहाँ का खाना इतना टेस्टी नहीं है। फाइनली हम पहुंच गए नक्की लेक में बोटिंग करने, जिसका चार्जेस है 200 रुपीज पर पर्सन फॉर 30 मिनट्स। बोटिंग करते हुए ये नजारा देखने का आनंद ही अलग है। दिस व्यू इज सोल रिफ्रेशिंग। महादेव।
नक्की लेक से निकलने के बाद हम सीधे पहुंच गए सनसेट पॉइंट। ये है यहाँ का सनसेट पॉइंट। यहाँ से और ऊपर जाना है। ये सनसेट पॉइंट में टिकट्स भी लगती है जिसका चार्ज है 130 रुपीज पर पर्सन। स्टार्टिंग पॉइंट से भी आपको लगभग 500 से 700 मीटर चलकर सनसेट पॉइंट पहुंचना है। वहां आप हॉर्स राइड करके या हाथ गाड़ी से भी जा सकते हैं। बोलेंगे खाई रही है। सनसेट देखने के लिए पूरी तैयारी करते हुए जाते सनसेट पॉइंट में काफी ठंड हो गई थी तो थोड़ी देर रुक कर हमने आग सेक ली और फिर पहुंच गए इस कोजी से कैफे में जहां पे चल रहा था लाइव म्यूजिक एंड रोमांस वाज इन द एयर। माउंट आबू आए और यहाँ की रबड़ी जलेबी ना खाएं ऐसा कैसे हो सकता है। मेरी तरह जिन्हें रबड़ी नहीं पसंद वो ब्राउनी या फिर सॉफ्टी का मजा ले सकते हैं। ठंडा यार अभी तो स्टार्स भी दिख रहे हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल व्यू। हमारा ट्राइपॉड सेट हो गया दिख रहा है अभी नहीं है ये तो। हम जनरली सनसेट देखना ही पसंद करते हैं लेकिन इस सनराइज ने हमें अब से हमेशा सनराइज देखने के लिए इंस्पायर कर दिया। यहाँ पे आप राजस्थानी पोशाक पहनकर भी फोटो खिंचा सकते हैं। पहले आप सीधे हनीमून पॉइंट तक अपनी गाड़ी लेकर जा सकते थे लेकिन अब ये रास्ता बंद कर दिया गया है और यहाँ से 1 किलोमीटर दूर चलकर आपको हनीमून पॉइंट पहुँचना होगा। हम पहले वहाँ जा चुके हैं सो वी चोज टू स्किप द पार्ट। ये हमारी माउंट आबू की तीसरी ट्रिप थी। सो इन दिस ट्रिप वी ट्राई टू रिलैक्स मोर एंड एक्सप्लोर लेस बिकॉज़ वी हैव ऑलरेडी सीन द प्लेसेस। लेकिन अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं तो आप अचलगढ़ फोर्ट, गुरु शिखर, दिलवारा टेंपल और ट्रेवर्स टंग जैसी जगह भी जाकर देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।